दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ENG 101 के मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगा। और अगर आपको किसी भी हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो फाइल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आपको फ़ाइल मिल जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तो पासवर्ड मैं आपको वीडियो के मिडल पार्ट में बताऊँगा, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि ENG 101 के मिड टर्म की प्रिपरेशन में जो है MCQs आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहे होंगे। तो जो मैं आपको इसके सारे MCQ दिखाता हूँ, आप देख लें, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप जो है साथ साथ इसको देखते रहें आंसर और MCQ जो है उसमें। तो दोस्तों, आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको फ़ाइल मिल जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए जो आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तो पासवर्ड है 22V। तो जब आप फाइल ओपन करेंगे तो आप 22V जो है कैपिटल है, जब आप 22V कैपिटल लगाएंगे तो आपकी ईजीली फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल के बगैर पासवर्ड के बगैर सॉरी पासवर्ड के बगैर जो है फाइल कभी भी ओपन नहीं होगी। तो आप जो है पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी इजीली फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं जो आपको MCQ दिखा रहा हूँ, आप जो है इसको अच्छी तरह टैली कर लेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपको जो है काफ़ी मदद होगी, पेपर जो आपका इस तरह अच्छा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप साथ साथ देखते रहें। ये भी क्वेश्चंस जो है प्रॉपर स्टार्ट हो गए, इसके आंसर अब MCQs जो खत्म हो गए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको इजीली नज़र आ जाए, आप देख सकते हैं। अब दोबारा से MCQ स्टार्ट हो गए हैं, ये और मैं बड़ा कर देता हूँ। मेरे ख्याल से तो आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा सब कुछ। आगे आंसर है क्वेश्चन का, बीच में काफ़ी क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो जो है थोड़े लॉन्ग है, मतलब उसका स्पेसिफिक आंसर है एक, ये अब आप देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट हो गई है, ये भी एक किस्म के MCQs हैं, नीचे जो है ऑप्शन दी हुई हैं। आगे अब ये देखें, ये पूरा जो है एक अच्छी तरह स्पेसिफिक इसका आंसर है, कोई MCQs नहीं है। आप जो इसको अच्छी तरह टैली कर लें, क्योंकि इसमें से काफ़ी हद तक पेपर आएगा, काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिलेगी इससे। थोड़ी फाइल लंबी है, लेकिन जो है ये आपके लिए अच्छी होगी, हेल्पफुल करेगी आपको पेपर सॉल्व करने में। मुझे जो है उम्मीद होगी कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपका इससे फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ये आप आगे देख सकते हैं। आप जो है इसकी फाइल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो आपको अच्छी तरह प्रॉपर नज़र आ जाएगा हर क्वेश्चन। काफ़ी लंबी फाइल थी जो है इसकी, लेकिन जो है काफ़ी आपको यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे जो है फाइल एंड हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ENG 101 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर जो मैंने आपको दिखाया है, ये काफ़ी आपके हेल्पफुल करेगा पेपर अटेम्प्ट करने में। तो आप जो इसको अच्छी तरह देख लेगा, फाइल अगर आपको उसकी चाहिए हो तो फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई है, वहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी। और फाइल का पासवर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वो पासवर्ड भी लगाएंगे तो आपकी इजीली फाइल ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी मदद आई होगी इस वीडियो से। तो अल्लाह हाफिज़।